बंगाल में संघ का बढ़ता प्रभाव ममता बनर्जी के लिए खतरे की घंटी है। क्या टीएमसी प्रमुख की टेंशन को बढ़ाने वाला है संघ का ये आंकड़ा? नॉर्थ ईस्ट के राज्य त्रिपुरा को फतह करने के बाद संघ और बीजेपी की नज़र अब पश्चिम बंगाल पर है। सूबे की मुखिया ममता बनर्जी भले ही बंगाल में बीजेपी और संघ के बढ़ते प्रभाव से इनकार कर रही हों, लेकिन आंकड़े कुछ और ही बयां कर रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो आगामी लोकसभा चुनाव में ममता की पार्टी टीएमसी को जोर का झटका लग सकता है। मिली जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पश्चिम बंगाल में लगातार अपने पैर पसार रही है। खबर के मुताबिक बीते एक साल में संघ ने करीब 250 नई शाखाओं की शुरुआत की है। इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में संघ इसमें और विस्तार करने की योजना भी बना रही है। जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक संघ मंडल और ग्राम पंचायत स्तर पर खुद का प्रचार प्रसार कर लोगों तक अपनी पहुंच बढ़ाने में जुटा है। कहा जा रहा है कि संघ की ये कोशिश रंग भी ला रही है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो सूबे के हुगली और दुर्गापुर में संघ की शाखाओं में काफी बढ़ोतरी हुई है। यहाँ 2016 में कुल 1100 शाखाएं थी, जो कि 2018 में बढ़कर 1350 हो गई। संघ के मुताबिक जिन इलाकों में विकास नहीं हुआ और लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, साथ ही स्वास्थ्य शिक्षा का स्तर काफी खराब है, वहां संघ ज्यादा लोकप्रिय हुआ है। मौजूदा समय में संघ 650 जगहों पर 910 शाखाओं का संचालन करता है। दक्षिण बंगाल में 452 शाखाएं हैं, जबकि उत्तर बंगाल में 373 शाखाएं हैं। पूरे पश्चिम बंगाल में हर हफ्ते होने वाले मिलन कार्यक्रम की संख्या 1091 है, जबकि मासिक कार्यक्रम मंडली की संख्या 226 है। हाल ही में अपने एक टीवी इंटरव्यू में बीजेपी प्रमुख अमित शाह ने आगामी लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की करीब 22 सीटों पर जीत दर्ज करने का दावा किया था। हालांकि शाह के दावे से लोगों को थोड़ी हैरानी जरूर हुई, लेकिन अगर राज्य में संघ के बढ़ते प्रभाव को गंभीरता से लिया जाए तो फिर अमित शाह के दावों को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। यानी कुल मिलाकर संघ के ये आंकड़े कहीं न कहीं ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ाने वाले ही साबित हो सकते हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।